तो हम लोगों ने क्लासिकल फिज़िक्स में जो कठिनाइयाँ आईं उनकी चर्चा की, विशेष रूप से रेडिएशन, प्रकाश, लाइट, इनसे संबंधित बातें किस प्रकार से विकसित हुई धीरे धीरे उसकी चर्चा की। तो आगे के लेक्चर्स में हम अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर या मटेरियल पार्टिकल्स के ऊपर चर्चाएं शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ प्रश्न हल करना चाहेंगे, कुछ सवाल बनाना चाहेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करना चाहेंगे। तो आज हम थोड़े से सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल हम ले रहे हैं, हरे रंग की लेजर टॉर्च से, हरे रंग की लेजर टॉर्च से निकलते प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पांच सौ बत्तीस नैनोमीटर है। हरे रंग की टॉर्च हमने शुरुआत के लेक्चर्स में इस्तेमाल भी की थी, जब हम आपको लाइट के कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखा रहे थे, तो वो जो हरी लाइट उसमें से निकलती है उसका जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य, वो 532 नैनोमीटर्स होता है। तो इसके फोटोन की, ये जो रोशनी निकल रही है इसके फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी? तो अगर उस लाइट को हम फोटॉन्स की तरह देखें, एक फोटॉन, फिर अगला फोटॉन, फिर अगला फोटॉन, तो हर एक फोटॉन का की जो ऊर्जा है वो हमें प्राप्त करनी है। तो जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, और जो ऊर्जा है उसके बीच का संबंध हमें पता है, ई ऊर्जा बराबर एच इंटू सी बाई लैम्डा। एच प्लैंक्स कांस्टेंट और सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये वेवलेंथ। तो ऐसा आप करेंगे तो एक एक फोटॉन की ऊर्जा जो है वो प्राप्त होगी। तब एच का मान आपको पता है 6.63 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड ऐसा। सी का मान आपको पता है 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ यहाँ दे रखी है 532 नैनोमीटर्स, अर्थात इतना गुना -9 मीटर्स। तो ऐसा जब इन सब में रखेंगे तो हमें जूल में ऊर्जा प्राप्त होगी। साधारणतः हम लोग इस तरह के सवालों में या इस तरह की परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में काम करना चाहते हैं। जो ऊर्जा की बातें हम करते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में करते हैं, तो हम जूल से फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बदल सकते हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी कह सकते हैं, या बहुत सुविधा होगी अगर आप यहीं पे इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें, और एच इंटू सी, ये बार बार आने वाला है अपने पूरे डिस्कशन में, ये बार बार आने वाला है एच इंटू सी। तो अगर हमने इसको जूल से और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद ये गुना किया, तो इसका मान करीब करीब काफ़ी क्लोज 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ऐसा इस प्रकार का इसका मान निकल करके आता है। एच इंटू सी जब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर इस यूनिट के अंदर में 1240। तो ये याद रखना बड़ा सुविधाजनक रहता है, क्योंकि कई बार इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और इसलिए ई अगर लिखें हम, तो एच सी की जगह हम सीधा लिखेंगे 1240 eV/nm, और फिर यहाँ वेवलेंथ है 532 nm, तो ये 532 nm, और फिर हम इसको कैंसिल करेंगे और ये सीधा मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो आप 1240 को और 532 से भाग लगा दें और देख लें कि ये कितना बन रहा है। तो ये 1240 को हमने भाग लगाया 532 से,
और ये बना 2.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अमूमन जो विजिबल लाइट है उसकी उसके फोटॉन्स की आप ऊर्जा देखेंगे तो इसी प्रकार की आएगी। ग्रीन लाइट है 2.33 ev, दूसरे कलर्स की लाइट होगी तो थोड़ा इसी के आसपास होंगी, लेकिन ऑर्डर यही होगा। अब अगला सवाल लेते हैं। एक अर्धचालक में यानी सेमीकंडक्टर में ऊर्जा का बैंड गैप वन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अधिकतम कितने तरंग दैर्घ्य का प्रकाश इस पर पड़ना चाहिए ताकि वह वैलेंस बैंड के किसी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जा सके। तो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड इस तरह के मटेरियल्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं, उनमें ऊर्जा का बैंड गैप 1.2 ev है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा होती है वो अलग अलग ग्रुप्स में होती है। तो एक ग्रुप जिसको हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं, ये सारा वैलेंस बैंड की ऊर्जाएँ हैं, और दूसरा ग्रुप फिर इससे ऊपर की ऊर्जा का शुरू होता है जिसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो कई सारे ग्रुप्स होते हैं, और भी ग्रुप्स होते हैं, लेकिन एक ग्रुप जिसको वैलेंस बैंड कहते हैं और अगला ग्रुप जो होता है उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो ऊर्जा है वो यहाँ कहीं इतनी एनर्जी की कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको गैप कहते हैं, एनर्जी गैप कहते हैं। यहाँ तक कि ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उनको वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इसमें इतनी ऊर्जा वाले भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जिनको हम कहेंगे वो कंडक्शन बैंड में हैं, लेकिन इसके बीच की ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे इस मटीरियल के अंदर में, इसलिए ये जो गैप है इस गैप को कहते हैं एनर्जी गैप या बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप। तो ये जो बैंड गैप है वो बैंड गैप 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, ये बताया हुआ है कि ये इतना बैंड गैप है यहां पे। अब इस पे एक रोशनी डाली जा रही है, इस मटेरियल के ऊपर एक रोशनी डाली जा रही है, और ये पूछा जा रहा है कि अधिकतम कितने तरंग दैर्घ्य का प्रकाश इस पर पड़ना चाहिए ताकि वैलेंस बैंड के किसी इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है उसको ये कंडक्शन बैंड में पहुंचा सके, यहां पहुंचा सके, इसको इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे दे कि ये यहां पहुंच जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना वेवलेंथ होना चाहिए? आप वेवलेंथ बड़ा लेंगे तो फोटोन की ऊर्जा कम हो जाएगी, e बराबर hc बाई लैम्डा है ध्यान रखें। इसलिए
हमारे फोटोन की ऊर्जा कम से कम 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होनी ही चाहिए, उससे अगर कम होगी तब वो यहाँ से यहाँ नहीं ले जा सकता, उससे ज़्यादा होगी तो ठीक है थोड़ा नीचे वालों को भी उठाने की कोशिश कर सकता है और यहाँ भी बिल्कुल यहाँ नहीं छोड़ के थोड़ा ऊपर भी छोड़ सकता है, लेकिन मिनिमम 1.2 ईवी की फोटोन की ऊर्जा होनी चाहिए, उससे करस्पॉन्डिंग जो तरंग दैर्घ्य होगा, जो वेवलेंथ होगा, वही मैक्सिमम वेवलेंथ होगा जो ये काम को कर सकेगा। तो यानी हमें इतने ईवी की ऊर्जा वाले फोटोन का तरंग दैर्घ्य प्राप्त करना है। तो फिर वही सूत्र है हमारा, ई बराबर एच सी बाई लैम्डा है, तो लैम्डा बराबर एच सी बाई ई है, और ये 1240 ईवी एनएम है और ये 1.2 ईवी है। तो आप ईवी से ईवी को काट सकते हैं और इससे इसको भाग लगा सकते हैं, इसको तो ऐसे भी भाग लगा सकते हैं, यहाँ पर 1, फिर 0, फिर 3, 3, ऐसा कुछ नैनोमीटर्स। तो 1033 नैनोमीटर ये इसका मैक्सिमम वेवलेंथ हो सकता है लाइट का, इससे ज़्यादा का वेवलेंथ लेंगे तो फिर उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी और ये काम ये नहीं कर सकेगा। इसके बाद फिर अगला सवाल लेते हैं, लेकिन उसके पहले हमें जगह बनानी पड़ेगी। तो तीसरा सवाल लेते हैं, भोजन बनाते समय चूल्हे पर रखे तवे का ताप इससे निकलते विकिरण में किस तरंग दैर्घ्य पर अधिकतम ऊर्जा होगी? भोजन बनाते समय चूल्हे पर रखे तवे का ताप 300 डिग्री सेल्सियस माने, इससे निकलते विकिरण में किस तरंग दैर्घ्य पर अधिकतम ऊर्जा होगी? तो हम लोग जब गर्म करते हैं तवे को, थोड़ा हाथ ऊपर रख करके देखते हैं कि ठीक गर्म हुआ कि नहीं, तो वो ऊर्जा वहाँ से विकिरित हो रही है, विकिरण निकल रहा है, तो उसका क्या वेवलेंथ है, किस वेवलेंथ पर मैक्सिमम ऊर्जा निकल रही है, किस वेवलेंथ का मतलब उस वेवलेंथ से एक जरा सा रेंज तो लेना ही पड़ेगा, इतने से इतने वेवलेंथ के बीच में, तो उसमें कहाँ पर मैक्सिमम ऊर्जा किस वेवलेंथ पर निकल रही है। तो इसके लिए हम लोग वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का इस्तेमाल करते हैं। अगर कैपिटल टी टेम्परेचर हो और उससे विकिरण निकल रहा हो, तो जो मैक्सिमम वाला वेवलेंथ है, मैक्सिमम ऊर्जा वाला वेवलेंथ है, उसके लिए हमारा रिश्ता होता है लैम्डा एम इंटू टी बराबर कांस्टेंट बी, और उसका मान होता है 2.898 × 10⁻³ मीटर केल्विन। तो किस टेम्परेचर पर, किस टेम्परेचर हमें दिया गया है, किस वेवलेंथ पर मैक्सिमम ऊर्जा होगी, यानी लेमडा एम हमसे पूछा जा रहा है, तो लेमडा एम का मतलब हो गया 2.898 × 10⁻³ मीटर केल्विन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस यानी 573 केल्विन। तो ये वेवलेंथ हो गया इतना मीटर, इतने मीटर का वेवलेंथ हो गया। तो इसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं,
और अगर इसका कैलकुलेशन कर लें हम तो हमें करना है 2898 और इसको भाग लगाना है 573 से, तो ये है 5। तो हमने यहाँ इसको 3 से और गुणा कर लिया है, तो ये 5.05 आएगा वो इतने नैनोमीटर, ये हमने मीटर को अगर आप कन्वर्ट कर दीजिए नैनोमीटर में, 10^9 से गुणा होगा ये, यहाँ पर 10^6 बन जाएगा और उसके बाद हमने 10^3 से यहाँ गुणा करके भाग लगाया है तो 5.057 आया है और 10^3 से 5.057 नैनोमीटर। इस पर मैक्सिमम आ रहा है, आप जानते हैं ये इंफ्रा रेड रेडिएशन है जो हमारी चीज़ें गर्म होती हैं और ग्लो नहीं करती हैं, उनमें से जो रेडिएशन आता है उसमें विजिबल नहीं होता है, तो मैक्सिमम ज़्यादातर इंफ्रारेड की जो चीज़ें होंगी, इंफ्रारेड वेवलेंथ्स, उसके अंदर में ऊर्जा उत्सर्जित होगी। फिर इसके बाद अगला सवाल लें हम, प्लांक के विकिरण नियम के अनुसार यून्यू बराबर 8π(ν²/c³) एच न्यू डिवाइडेड बाय e^(hν/kT-1) ऐसा होता है, ये प्लैंक का रेडिएशन नियम है। सूर्य के प्रकाश, सूर्य से आते प्रकाश में अधिकतम ऊर्जा (500 nm) होती है, इसी के आसपास है, तो आप माने कि 500 nm पर होती है इस तरंग दैर्घ्य पर, इस तरंग दैर्घ्य पर e^hν/kT का मान निकालें। जो सूरज से हमारे पास प्रकाश आता है उसमें बहुत सारे वेवलेंथ्स होते हैं, हम जानते हैं सारा विजिबल उसी के अंदर में है, उसके दाएं बाएं भी है, जो अधिकतम मैक्सिमम रेडिएशन जिस वेवलेंथ के अराउंड है वो वेवलेंथ है 500 nm ऑलमोस्ट। तो इस वेवलेंथ पे e^hν/kT का मान निकालें, क्योंकि इसका इस्तेमाल अगर करना है तो यही सबसे कठिन फंक्शन है, बाकी तो सब गुणा करने हैं, भाग देने हैं, घटाना है, वन को घटाना है, तो इसी की चिंता अधिक करनी पड़ेगी, तो इसका मान निकालें। तो e^hν/kT को आप लिख सकते हैं e^h और न्यू की जगह पे आप लिख सकते हैं c by lambda लिख सकते हैं, और उसके बाद ये t है और k है, और चूंकि हम यहां पे इसी वेवलेंथ पे ढूंढ रहे हैं 500 नैनोमीटर पे जहां पर कि अधिकतम ऊर्जा है, तो ये वास्तव में लैम्डा m है, और लेमडा m इंटू टी आपको पता है,
लैम्डा एम इंटू टी जो होता है वो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अनुसार उसका मान आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया ई पे पावर एच सी यानी 1240 ई वी एन एम और बटा लैम्डा एम इंटू टी ये है 2.898 × 10⁻³ मीटर केल्विन, ये लैम्डा एम इंटू टी हो गया। और के के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो उसका भी मान आप ईवी में लिख सकते हैं। और उसका मान अगर आप ईवी में लिखते हैं तो, या एक और भी चीज़ बड़ी अच्छी है आपको याद करा दूं कि जो के इंटू टी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे जहाँ हमारे अधिकतम काम होते हैं, अगर हम यहाँ 300K रखें तो इसका वैल्यू 0.027 ईवी इसके करीब होता है। तो ये भी एक अच्छी याद रखने की चीज़ है, के इंटू टी इज 0.027 ईवी एट टी इक्वल टू 300K। और इसलिए के का मान अगर आप लिखना चाहते हैं तो के का मान आप लिख सकते हैं ये 0.027 ई वी और बटा 300 यहाँ और के ई वी बाई के। तो ये के का मान आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ एच सी लिख लिया, हमने यहाँ लैम्डा एम इंटू टी लिख दिया, अब हमें सिर्फ के लिखना है। तो ये के का मान आप लिखें यहाँ पे, ये इंटू 0.027 और बटा 300, ये बटा 300 हो गया और ई वी बाई के, तो यहाँ पर ये ई वी हो गया और यहाँ पर ये के हो गया केल्विन। तो आप देखें इस ई वी से आप इस ई वी को काट दें, इस केल्विन से आप इस केल्विन को काट दें। ये नैनोमीटर है, ये मीटर है, तो केवल 10⁻⁹ का फैक्टर आएगा। और ये सब कुछ आप हल करें तो ये सब हल करके और जो वैल्यू निकलता है ओके एच न्यू बाई के टी का जो वैल्यू निकलता है दैट इज़ 4.75। एच न्यू बाई के टी का जो वैल्यू निकलता है दैट इज़ 4.75। ये इसको हल करके और फिर ई पे पावर 4.75 कितना है वो आप निकाल सकते हैं। ये है 112 पॉइंट कुछ है, 0.2 समझ लें, ये प्योर नंबर होगा ये। तो ये इसका इस पर्टिकुलर चीज़ का मान है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वन को आप बहुत आसानी से निकलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 112 ये खुद है तो बहुत ज़्यादा एरर नहीं होगी अगर आप इस वन को नेग्लेक्ट कर लें और इसको सिर्फ इसका इस्तेमाल करें आगे यूनियन वगैरह निकालने में। अब और एक सवाल लेंगे हम, एक मिलीवॉट के हीलियम नियॉन लेज़र से, एक मिलीवॉट के हीलियम नियॉन लेज़र से एक मीटर लंबी बीम या की कहते हैं लेज़र की, एक मीटर लंबी बीम, एक मीटर लंबी बीम में कितने फोटॉन्स होंगे, में कितने फोटॉन होंगे। तो जो हीलियम नियॉन लेज़र है उसका उसकी रोशनी जो निकलती है कुछ लाल रंग की रोशनी निकलती है, उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है लैम्डा
633 नैनोमीटर, ये उसका वेवलेंथ। तो क्या करेंगे हम, कैसे प्राप्त करेंगे कि एक मीटर लंबी बीम है अपने पास, ये लेज़र है, यहाँ टॉर्च है और टॉर्च से ऐसे लेज़र निकल रही है, और किसी समय पे इस एक मीटर लंबी बीम के अंदर में कितने फोटॉन्स हैं ये हमें प्राप्त करना है। तो इसको 1 मिली वॉट कहा गया है, अर्थात प्रति सेकंड 1 मिली जूल ऊर्जा निकल रही है। तो प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितनी ऊर्जा निकल रही है, ये ऊर्जा निकल रही है 1 मिली जूल 10^-3 जूल। और आप अगर एक सेकंड तक यहाँ वॉच करें और एक सेकंड में जितनी ऊर्जा निकली वो कितनी दूर में जाकर के फैली है उसको देखें, तो जो एक सेकंड के प्रारंभ में निकली थी वो अभी कहाँ होगी और एक सेकंड के अंत में जो निकली है वो अभी कहाँ होगी, उतनी लेंथ के अंदर में वो सारे फोटॉन्स हैं। और वो लेंथ कितनी हो गई, वो लेंथ हो गई एक सेकंड में प्रकाश जितनी दूर चलता है। तो यानी 3 × 10^8 मीटर इतनी लंबी बीम में ये 10^-3 जूल ऊर्जा है, क्योंकि एक सेकंड के अंदर में जितने फोटॉन्स निकले हैं, जितनी ऊर्जा निकली है वो सब कहाँ है, उस एक सेकंड के शुरू में जो निकली थी वो इतनी दूर पहुंच गई है, और उस एक सेकंड जब पूरा हुआ है उस समय जो निकली है वो अभी ही अभी अभी ही निकली है, इसलिए सारी ऊर्जा इतनी लंबी बीम के अंदर में है। तो एक मीटर बीम में कितनी लंबी कितनी ऊर्जा है, तो इसलिए एक मीटर लंबी बीम में टेन पे पावर माइनस थ्री बाय 3 × 10^8 इतने जूल ऊर्जा है। और इतनी ऊर्जा में कितने फोटॉन्स होंगे, तो प्रत्येक फोटॉन का आप देख लें कि कितना ऊर्जा है, तो प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा अगर आप देखते हैं तो E बराबर hc/λ, अर्थात 1240 eV/nm बटा 633 nm, ये इतनी ऊर्जा है। हमें इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा या उसको हमें ईवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन कम बहुत आसान है, कठिन नहीं है। पहले हम इसको यही कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1240 और बाई 633 तो है ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कितने जूल, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 × 10^-19 जूल्स, इतने जूल। फिर आप भाग लगा दें, अब आप कर सकते हैं कि इतने जूल ऊर्जा में कितने फोटॉन्स होंगे, एक फोटोन के की ऊर्जा इतनी है, तो इतने ऊर्जा के अंदर कितने फोटॉन्स होंगे वो आप भाग लगा लें फोटोनों की संख्या, और वो आप जब भाग लगाएंगे तो आपको मिलेगा वो 1.06 × 10^7। तो इतने फोटॉन्स एक मीटर की दूरी के अंदर में होंगे। अगर एक मिली वॉट का लेज़र है, कई बार हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसमें कि हमें बहुत कम इंटेंसिटी की ज़रूरत होती है, तो एक मिली वॉट का लेज़र तो है यहाँ पे एक मिली वॉट का, लेकिन हम इसके आगे एटेन्यूएटर लगा सकते हैं, इसकी रोशनी कम कर सकते हैं,
हम इसके आगे एक पोलराइज़र रख सकते हैं या दो पोलराइज़र्स रख सकते हैं और एक को दूसरे की तरफ घुमा सकते हैं ताकि इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाए, 10 पे पावर 10 के फैक्टर से कम हो जाए या उससे भी और कम हो जाए। उस समय अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे, मान लीजिए कि एक मिलीवॉट नहीं हो करके 1 mW × 10⁻¹⁰ हमने उसकी इंटेंसिटी कम कर दी है, तो यहाँ पे और आपको 10⁻¹⁰ से भाग लगाना पड़ेगा और तब आप पाएंगे 1.06 × 10⁻³ एक मीटर में कितने फोटोन है, 1/1000 फोटोन है, तो वैसा तो हो नहीं सकता है। तो उसका अर्थ है कि अब इतने फोटोन नहीं है कि आप ये एक एक नियम लगा सके। अब एक फोटोन है और वो चला गया और उसका बहुत देर तक फोटोन ही नहीं है, फिर अगला फोटोन आया और फिर वो चला गया, उसे एक मीटर में आया और फिर चला गया और फिर बहुत देर तक फोटोन ही नहीं है। तो इस प्रकार के अगर हम इंतज़ाम करते हैं तो हम सिंगल फोटोन के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। एक सिंगल फोटोन क्या कर रहा है हम उसके एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और इन एक्सपेरिमेंट्स ने भी क्वांटम मैकेनिक्स के सत्यापन में कहो या उसके प्रति विश्वास जगाने में कहो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हम एक जरा सी चर्चा उसकी केवल करना चाहते हैं यहाँ पर छोड़ने के पहले। आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद होगा, अगर दो स्लिट होते हैं और उसके बाद सामने आप स्क्रीन रखते हैं और इधर से आप लाइट भेजते हैं कोहेरेंट लाइट, तो यहाँ पर इंटेंसिटी में एक वेरिएशन मिलता है, कुछ इस प्रकार का वेरिएशन मिलता है, कहीं ब्राइट फ्रिंज और कहीं डार्क फ्रिंज। अगर ये इंटेंसिटी हम इतनी कम कर दें कि एक एक फोटोन ही एक बार में आए, पूरे अपरेटस में जितना है वॉल्यूम उसमें एक ही फोटोन एक बार में होगा, उससे ज्यादा होने के चांसेस ही बहुत ही क्षीण है, नहीं है। तो एक सिंगल फोटोन आ रहा है, अगर हम फोटोन पिक्चर में बात करेंगे तो एक सिंगल फोटोन आ रहा है। अब वो सिंगल फोटोन कैसे इंटरफेरेंस करेगा, वो इस स्लिट से जाएगा कि उस स्लिट से जाएगा, कैसे जाएगा, तो ये एक बड़ा प्रश्न है। और क्या पाते हैं इन एक्सपेरिमेंट्स में कि शुरुआत में यहाँ जो स्क्रीन है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी नहीं होती। अगर स्क्रीन को आप ऐसा देखें, ऐसा अगर स्क्रीन है ये, तो कहीं एक डॉट आ गया, कोई एक फोटोन आया उसने कहीं पहुंच गया, वो कहीं दूसरे फोटोन आया वो कहीं और पहुंच गया, तीसरा फोटोन आया कहीं और पहुंच गया। तो अगर आप CCD कैमरा से इसको कैप्चर करते चलें तो शुरुआत में देखेंगे कि बड़े रैंडम डॉट्स हैं, कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं है, यानी ये फोटोन बाय फोटोन आ रहे हैं पार्टिकल और एक एक पार्टिकल अलग अलग जगह पर स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट बहुत देर तक आप चलाते रहिए तो और फोटोन्स आएंगे और फोटोन्स आएंगे और फोटोन्स आएंगे और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे फोटोन्स आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे फोटोन्स आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे फोटोन्स आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे फोटोन्स आ रहे हैं और बीच में डार्क फ्रिंजेस बन रही है। तो वेव्स के द्वारा जो हम दिखाते हैं कि यहाँ पे मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, यहाँ मिनिमम इंटेंसिटी होगी, ये जो पैटर्न है ये पैटर्न फोटोन्स के द्वारा बिल्टअप हो रहा है, वन फोटोन अलग अलग आकर के। लेकिन फोटोन कहाँ लैंड करेंगे, यहाँ करेंगे कि यहाँ करेंगे कि यहाँ करेंगे कि यहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे, वो डिसाइड हो रहा है इस वेव्स के द्वारा। जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ लैंड होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ लैंड होने की प्रोबेबिलिटी कम। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, लो इंटेंसिटी की लाइट से किए जाते हैं।